हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीच इन्फो स्मार्ट। में आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है। और जो मैंने आपको इस वीडियो में पढ़ाने की कोशिश किया, इससे बाहर कुछ नहीं आना है। एक वीडियो और आपके लिए लेकर के आऊँगा जिसमें एशिया के जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो, और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक दो छूट गए होंगे उनको, तो एक वीडियो और लेकर के आऊँगा, उसमें पूरा कर दूंगा, ध्यान रखिएगा। क्योंकि मैं ऐसा ही इसलिए कर रहा हूँ, मैं आपके लिए छोटी छोटी वीडियोज ही लेकर के आता हूँ, जिससे कि आपको बोरिंग ना हो और ज़्यादा आपका टाइम खराब ना हो, कम समय में ज़्यादा चीज़ें आपको मिल जाए। ठीक है, हम लोग ज़्यादा बात नहीं करते, तो शुरुआत करते हैं। देखेंगे, पहला पॉइंट देखेंगे। देखिए, एपेक, नाम सुना होगा आपने एपेक का, APEC। तो एक क्वेश्चन तो ये बन जाता है कि APEC का फुल फॉर्म एग्जाम में आ जाता है, तो एग्जाम में आपको फुल फॉर्म ध्यान रखना है कि इसका फुल फॉर्म होता है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है। उसके बाद में हेडक्वार्टर है इसका सिंगापुर में, मेंबर हैं इसमें 21 कंट्रीज, अर्थात 21 देश इसमें शामिल हैं, और इसको जो चेयरपर्सन है वो जो बाइडन है, जो कि अभी अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। और इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1989 में हुआ था, अर्थात इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1989 में हुई थी। अब अगला देखेंगे ABD, देखिए क्या है ABD। तो पहला क्वेश्चन तो ABD का फुल फॉर्म आ सकता है, फुल फॉर्म देखिए एशियन, ये जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है इसका फुल फॉर्म। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर, मुख्यालय कहाँ है, तो फिलीपींस में है। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, फॉर्मेशन इन द सेंस कि इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, एस्टेब्लिशमेंट बोले तो स्थापना कब हुई थी, तो 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। मेंबरशिप इसके 68 कंट्रीज हैं, 68 कंट्रीज हैं इसमें, ध्यान रखना है। ठीक है, 68 देश हैं। प्रेसिडेंट कौन है इसके, तो ये हैं, ध्यान रखिएगा, नाम थोड़ा सा अटपटा है लेकिन आ जाएगा आपको, आप जो है दो तीन बार पढ़ेंगे तो। ये हैं मैसटसुग्यू, ठीक है, और आसाकावा, ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, लिखा हुआ है एसोसिएशन। देखिए इसमें क्या है, अब जैसे ये वाला मैंने क्वेश्चन आपको पढ़ा है, यहाँ पर ये पढ़ा है, ठीक है। तो इसमें ABD के साथ में क्या है महत्वपूर्ण है, आपको ये चीज़, ये फॉर्मेशन और कंट्रीज, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है ये तो, और ये ABD का फुल फॉर्म, ये चार पर ज़्यादा फोकस कर दीजिए आप, ठीक है। और जहाँ पर मैं अभी आपको बताऊंगा कि इसके जो है आपको हेड भी याद होने चाहिए, वो जरूर याद कर लीजिएगा। लिखा हुआ है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, तो आसियान का फुल फॉर्म भी एग्जाम में आ जाता है, ठीक है, तो ये आपको पता हो गया। हेडक्वार्टर इसका जकार्ता में है, जकार्ता इंडोनेशिया में है। और फॉर्मेशन कब हुआ था, अर्थात इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को। और इसके सेक्रेटरी जनरल हैं काओ किम हॉर्न, तो ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, आपको ध्यान रखना है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, फॉर्मेशन कब हुआ है, और इसमें मेंबर कंट्रीज कितनी है, 10, बस ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 10 कंट्रीज हैं, लेकिन मैंने वीडियो में वही शामिल किया जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो भी ध्यान रखना है। तो कोशिश करिए कि सब ये सभी पॉइंट आपको याद हों, और बहुत अच्छा आपको महसूस होगा जब आप ये याद कर लेंगे, तो बड़ा कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा। लिखा हुआ यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक EIB, इसका फुल फॉर्म तो आपने देख लिया कि यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक होता है, और इसका हेडक्वार्टर है लग्जमबर्ग में, और प्रेसिडेंट हैं इसके वार्नर हॉयर, और इसका फॉर्मेशन हुआ था 1958 में। फॉर्मेशन का मतलब है स्थापना, प्रेसिडेंट, ठीक है, और हेडक्वार्टर इसका जो मुख्यालय है वो लग्जमबर्ग में है, और इसमें मेंबर कंट्रीज जो हैं अर्थात जो सदस्य देश हैं वो 27 हैं, 27 स्टेट्स हैं। तो यहाँ पर स्टेट की आई थिंक स्पेलिंग भी गलत हो गई है। आगे देखिएगा, लिखा हुआ इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक IBD का फुल फॉर्म देखिएगा, इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक होता है। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC, अमेरिका में है। फॉर्मेशन हुआ था इसका 1959 में, स्थापना हुई थी। इसके मेंबर कंट्रीज, मेंबरशिप जो है 48 कंट्रीज हैं, 48 कंट्रीज इसमें शामिल हैं, 48 देश इसके सदस्य हैं। और प्रेसिडेंट हैं इसके, इसके प्रेसिडेंट हैं लियान गोल्डफजन, ठीक है, नाम भी थोड़ा पता है, तो इसको ध्यान रखना है आपको। मेनली इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, हेडक्वार्टर, फॉर्मेशन और मेंबर कंट्रीज, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ज़्यादातर मुख्यालय ही पूछा जाता है, ठीक है, तो ये, लेकिन ध्यान रखिए सब आप पढ़िए, सब कोशिश करिए, क्योंकि कोई पता नहीं है कि एग्जामिनर कौन सा क्वेश्चन बना दे, कहाँ सेलेक्ट कर ले। तो भाई ये होता क्या है, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो मैगजीन होती है जो मैं पढ़ाता हूँ उसमें से भी वो इम्पोर्टेंट छांटना शुरू कर देते हैं। भाई जो इम्पोर्टेंट था वो तो मैंने छांट लिया, अब आप इतने बड़े महान हो कि आप उसमें से भी आप इम्पोर्टेंट छांट रहे हो, तो वहीं फिर सिलेक्शन आप अपना रोक देते हो। इसलिए जितना आपको महत्वपूर्ण मैगजीन में दी जाती है जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सभी महत्वपूर्ण, उसको सब आपको पढ़ के जाना है। उसमें आप जो है सेलेक्ट अलग से नहीं कर सकते हो कि आप नोट्स बना लो, इसको लिखूँ, लिखना है तो पूरा लिखिए आप, ठीक है।
क्योंकि मैंने खुद ऐसा करा है कि सेलेक्ट कर करके सब चीज़ें आपको पढ़ाया है। लिखा हुआ है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो, ठीक है। तो नाटो को ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसका एग्ज़ाम तो आए, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इसमें पूरी दुनिया में नाटो की वजह से उथल पुथल मची हुई है। रूस और यूक्रेन का युद्ध नाटो की वजह से ही हो रहा है। यूक्रेन नाटो में शामिल हो रहा था, रूस ने कहा कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाएगा तो नाटो के जो वेपन है, जो हथियार हैं, वो यूक्रेन में आ जाएंगे और यूक्रेन में आने से रूस को खतरा होगा, ठीक है। तो इसीलिए जो है यूक्रेन नाटो में ना शामिल हो, रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया, आक्रमण कर दिया है, ठीक है। अब क्या हुआ है, एक कंट्री है फिनलैंड, फिनलैंड अभी तक 30 देश थे, लेकिन आज 4 तारीख है, 4 अप्रैल है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और आज के ही दिन फिनलैंड ने जो है नाटो की सदस्यता ले ली है, वो एक मेंबर बन गया है नाटो का। तो अब 31 कंट्री हो गई हैं, ध्यान रखिएगा, पहले 30 थी, ठीक है, लेकिन आज 4 अप्रैल से अब 31 कंट्री हो गई हैं नाटो में, तो ये मेंबरशिप हो गई 31। इसका हेडक्वार्टर ब्रसेल्स में है, ब्रसेल्स पड़ता है बेल्जियम में, और इसका फॉर्मेशन हुआ था 4 अप्रैल 1949 को, ठीक है। इसका स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। सेक्रेटरी जनरल इसके जेंस स्टॉल्टनबर्ग हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें सभी चीज़ आपको याद रखना है, ध्यान रखना, सभी पॉइंट को याद रखना है, इसमें सब बहुत महत्वपूर्ण है और ये करंट में न्यूज़ बनी हुई है। देखिए आप, OAS का फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स, तो हेडक्वार्टर इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC US में है, यूनाइटेड स्टेट्स में है, ठीक है, अमेरिका में है। फॉर्मेशन हुआ था इसका, फॉर्मेशन इन द सेंस एस्टेब्लिशमेंट, स्थापना इसकी हुई थी 30 अप्रैल 1948 को। सेक्रेटरी जनरल हैं इसके लुइस एलमाग्रो हैं ये, और मेंबरशिप इसमें 35 कंट्री हैं, 35 देश शामिल हैं, ठीक है। आगे देखें, लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD का फुल फॉर्म है ये, ध्यान रखना है। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर पेरिस में है, फ्रांस में पड़ता है। फॉर्मेशन स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1948 को। सेक्रेटरी जनरल हैं इसके मैथियास कॉर्मन, और देखिएगा यहाँ पर मेंबरशिप इसमें है 38 कंट्रीज हैं, कितने 38 कंट्रीज हैं। अब देखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO लिखा हुआ है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें सभी चीज़ें याद रखना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनता है, नाटो से बनता है, WTO से बनता है, WHO से बनता है, IMF से बनता है, यहीं से क्वेश्चन बनता है, तो इसको पूरा याद रखना है। हेडक्वार्टर इसका मुख्यालय जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है ये। इसकी जो स्थापना हुई थी, फॉर्मेशन 1 जनवरी 1995 को हुई थी, ठीक है। डायरेक्टर जनरल हैं इसके ओंगोजी ओकांजो इवेला, और मेंबरशिप हैं इसके जो कंट्रीज हैं, मेंबर जो सदस्य देश हैं, वो 164 सदस्य देश हैं। यूरोपियन यूनियन देखेंगे, ठीक है, इसमें देखिएगा, इसका हेडक्वार्टर याद कर लीजिएगा, ब्रसेल्स और लग्जमबर्ग में है। फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 1993 को, और मेंबरशिप है इसमें 27 देश शामिल हैं, ठीक है। अब इसका देखिए, इसको आप ना भी याद करें तो आपका चल जाएगा, ठीक है, लेकिन एक बार देख लीजिएगा। प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन काउंसिल, तो इसके प्रेसिडेंट हैं चार्ल्स मिचेल, ठीक है, या माइकल पढ़ सकते हैं, माइकल ही लिखा हुआ है, तो चार्ल्स माइकल। और प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये भारत आ चुकी हैं, आपको पता होगा, हाल ही में आई थी, तो उर्सुला वान डेर लियन, ये आ सकता है एग्जाम में, ये याद रखना है आपको। यूरोपियन यूनियन की जो अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो कौन है, तो उर्सुला वान डेर लियन है, ये याद रखना है। तो आपको इसमें जो मैंने पॉइंट बताया उसको जरूर याद रखिए। लिखा हुआ यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स, तो देखिएगा UN का फुल फॉर्म होता है, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, हेडक्वार्टर को हम लोग काट देंगे, ठीक है। तो UN का जो फुल फॉर्म होता है, यूनाइटेड नेशंस होता है, इसका जो मुख्यालय वो न्यूयॉर्क में है, और फॉर्मेशन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। इसके प्रेसिडेंट जो अध्यक्ष हैं वो हैं एंटोनियो गुटेरेस, ये भी इंपॉर्टेंट है, और मेंबरशिप हैं 193 कंट्रीज इसमें शामिल हैं। अब देखिए, इसमें आपको सब याद रखना है, कुछ भी नहीं छोड़ना, जितने पॉइंट हैं सभी महत्वपूर्ण हैं, WTO, नाटो, UN, IMF, WHO, ठीक है, ये सभी महत्वपूर्ण है, सभी चीज़ों को याद रखना पड़ेगा, सभी पॉइंट को। लिखा हुआ यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बस आपको 2 पॉइंट याद रखना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। फॉर्मेशन 22 नवंबर 1965 को हुआ था। यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम UNEP, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम होता है। इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी पड़ता है केनिया में। इसका जो फॉर्मेशन, जो स्थापना हुई थी 5 जून 1972 को हुई थी। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इसके
इंगर एंडरसन, और अब आगे देखेंगे यूनिसेफ, इसमें सब याद रखना है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड होता है इसका फुल फॉर्म, पहले चीज़ तो ठीक है। और इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी में, ध्यान रखिए यूएस में है ये, ठीक है, दो बार न्यूयॉर्क लिख गया है। फॉर्मेशन, इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, और इसके हेड हैं कैथरीन एम रसेल, तो ये याद रखिएगा। लिखा हुआ है अगला पॉइंट देखेंगे, UNHCR यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, तो इसका फुल फॉर्म होगा, ध्यान रखना है आपको, हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में है स्विट्जरलैंड में। इसका फॉर्मेशन हुआ था, इसके इन द सेंस की अगर हम कहें तो एस्टेब्लिशमेंट, हिंदी में बोलते हैं स्थापना, तो स्थापना हुई थी 14 दिसंबर 1950 को, और इसके प्रेसिडेंट हैं फिलिपो ग्रांडी। आगे देखो UNODC देखेंगे, इसका फुल फॉर्म देखें यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, और इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो वियना में है, वियना ऑस्ट्रिया में पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया है ये भी एक कंट्री है। लिखा हुआ फॉर्मेशन, तो 1997 में इसका फॉर्मेशन हुआ, इसकी स्थापना हुई थी। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट है इसमें गाढ़ा वैली। आगे देखिएगा ICJ ने ही गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है रसिया के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन के लिए, ध्यान रखना है। और जितने भी कंट्री जिसके सदस्य हैं उन कंट्री में अगर व्लादिमीर पुतिन जाएंगे तो उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा, ये ध्यान रखना है। अब देखिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका फुल फॉर्म है ICJ का, हेडक्वार्टर है द हेग, हेग पड़ता है नीदरलैंड में, नीदरलैंड में है। फॉर्मेशन 1945 में हुआ स्थापना इसकी। प्रेसिडेंट हैं इसके जॉन डोनोग्यू, डोनोग्यू हैं, और इसके मेंबरशिप हैं 193 स्टेट हैं इसमें, 193 कंट्री हैं। स्टेट का मतलब है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा, देश कंट्री। लिखो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, इसका फुल फॉर्म ध्यान रखना है आपको, पहली चीज़, पहला क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। हेडक्वार्टर रोम में है, रोम पड़ता है इटली में, मुख्यालय। फॉर्मेशन देखेंगे, फॉर्मेशन का मतलब है एस्टेब्लिशमेंट, या फिर हिंदी में कहें तो स्थापना। इसकी 16 अक्टूबर 1945 को हुई। डायरेक्टर जनरल हैं इसके को डोंग्यू, ठीक है डोंग्यू हैं, और इसके मेंबर्स कंट्रीज हैं 194 कंट्री हैं, और जो इसमें यूरोपियन यूनियन है वो भी इसके सदस्य हैं, और यूरोपीय यूनियन में 27 देश हैं, ठीक है, तो 194 कंट्री प्लस यूरोपीय यूनियन इसमें शामिल है। आगे देखेंगे, लिखा हुआ है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, तो ये होगा IAEA का फुल फॉर्म है ये, ठीक है, और हेडक्वार्टर है इसका वियना ऑस्ट्रिया में है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इसका फॉर्मेशन 29 जुलाई 1957 को हुआ था। डायरेक्टर जनरल हैं राफेल ग्रॉसी, और मेंबरशिप कंट्री हैं 176 मेंबर स्टेट्स हैं इसमें, अर्थात कंट्री हैं, देश हैं। अब देखेंगे ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर है इसका ये है मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल में है, ठीक है, और मॉन्ट्रियल क्विबेक कनाडा में पड़ता है ये। फॉर्मेशन हुआ था इसका, स्थापना हुई 4 अप्रैल 1947 को। इसके प्रेसिडेंट हैं सॉल्वेटोर साइचो टानो, ध्यान रखिएगा, आगे देखेंगे साइको टानो है ये। और इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट IFAD, इसका फुल फॉर्म है ये, ध्यान रखना है आपको, और इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर रोम इटली में है। फॉर्मेशन हुआ 15 दिसंबर 1977 को, और प्रेसिडेंट हैं इसके जो अध्यक्ष हैं वो अल्वारो लैरियो हैं। आगे देखेंगे ILO, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सब याद रखना है आपको, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर इसका मुख्यालय जिनेवा में है स्विट्जरलैंड में। फॉर्मेशन हुआ 11 अप्रैल 1919 को, 103 साल हो गया इसको, ठीक है 103 ईयर्स हो गया है। और डायरेक्टर जनरल हैं इसके गिलबर्ट होंगबो, ठीक है होंगबो हैं ये। अब देखें यहाँ पर IMF, जो मैं बता रहा था IMF आ गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो इसका हेडक्वार्टर है Washington DC अमेरिका में। इसकी जो स्थापना हुई थी, फॉर्मेशन 27 दिसंबर 1945 को हुआ। मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इसके क्रिस्टीना जॉर्जीवा, और मेंबर्स कंट्रीज हैं इसमें 190 देश सदस्य हैं इसके। आगे देखो ITU, लिखा हुआ इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन, तो हेडक्वार्टर है जिनेवा में स्विट्जरलैंड में, और फॉर्मेशन हुआ 17 मई 1865 को, बस इतना याद रखिएगा, दो पॉइंट महत्वपूर्ण है। अब देखें यहाँ पर यूनेस्को, इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा, लिखा हुआ यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है इसका फुल फॉर्म, और इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर है पेरिस पड़ता है फ्रांस में। फॉर्मेशन इसका जो स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को हुई, और इसके हेड हैं आंड्रे
ऑंड्रे अजूले। इसमें सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सब याद रखना है आपको, बार बार पढ़िए सब याद हो जाएगा, बहुत जो है टफ नहीं है ये। अब मेंबरशिप इसके 193 मेंबर स्टेट्स हैं और 12 एसोसिएट्स मेंबर हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसके जो स्थाई हैं इसके साथ में 193 मेंबर हैं अर्थात कंट्री हैं, और सहयोगी देश जो हैं वो 12 हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। आगे देखें वर्ल्ड बैंक, तो विश्व बैंक है ये। ठीक है, तो हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन डीसी में है अमेरिका में, और फॉर्मेशन स्थापना 1944 में हुई। प्रेसिडेंट है इसके डेविड मालपास। बैंक है, माल से संबंधित है, पैसे रखे होंगे, है ना। तो जनरली कहते हैं कि भाई जेब में कुछ माल है, तो वही कहने का मतलब है, तो इसको ऐसे याद कर लीजिए रिलेट करके कि वर्ल्ड बैंक मालपास, डेविड मालपास हैं इसके प्रेसिडेंट, और मेंबरशिप 189 कंट्रीज हैं। IBRD, जो IBRD है वो एक संस्था है, वो वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत काम करती है। ठीक है, तो IBRD में 189 देश हैं और 174 कंट्रीज IDA के हैं। तो IDA और IBRD ये दोनों वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत काम करती हैं। इनका फुल फॉर्म देख लीजिएगा एक बार। तो IBRD जो है वो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के लिए होता है, इसका फुल फॉर्म है ये। और IDA जो है वो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है ये। बस ये दोनों हैं, इनका फुल फॉर्म याद रखिएगा। लिखा हुआ है इंटरनेशनल फाइनेंस कोऑपरेशन, IFC का फुल फॉर्म होता है ये। हेडक्वार्टर है इसका वाशिंगटन DC US में है, अमेरिका में है। फॉर्मेशन इसका हुआ जुलाई 20 जुलाई 1956 की इसका स्थापना हुई है, और प्रेसिडेंट है मख्तर डीओप जैक, और मेंबर कंट्रीज हैं इसमें 186 कंट्रीज के मेंबर हैं। अब देखेंगे आगे लिखा हुआ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, सब याद रखना है, एक भी पॉइंट इसमें नहीं छोड़ना है। तो ध्यान रखिए हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, और इसके हेड है टेड्रोस अधोनम, ये ध्यान रखना है। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है ये आपके लिए, उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए हेल्पफुल वीडियो होगी, और मैंने कोशिश किया इस तरीके से डिज़ाइन किया है इस वीडियो को, और आपको भी ऐसा लगता होगा कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और आने वाले एग्जाम में इससे आपको बेनिफिट मिलने वाला है, हेल्प मिलने वाली है। तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए मुझे इस वीडियो में इजाज़त, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्टेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।